बीआईटी कंप्यूटर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने फोल्डर पर सिक्योरिटी कैसे लगाते हैं, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका डाटा सुरक्षित रहे और हम अपने फोल्डर्स में कोई भी डाटा अपलोड करने के बाद उसको सुरक्षित कर दें, तो हम उसको कैसे सुरक्षित करेंगे ये हम बताते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एक सबसे पहले एक फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर बनाने के लिए आप किसी भी डेस्कटॉप पर या किसी भी जगह पर राइट क्लिक करते हैं और न्यू पर क्लिक करते हैं। न्यू करने के बाद फोल्डर बना देते हैं। फोल्डर का नाम बदलना है, राइट क्लिक करेंगे, रिनेम करेंगे और यहाँ पर हमने कोई भी एक नाम दे देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा फोल्डर क्रिएट हो गया है और ये अभी फोल्डर इम्प्टी बता रहा है। हमने यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट किया और ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर छोड़ दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारी ये फोल्डर जो है फिल हो गया, यानी हमारी यहाँ पर एक फाइल मौजूद हो गई। अब ये फोल्डर हम डबल क्लिक कर रहे हैं, देखिए आप आसानी से फोल्डर ओपन हो जा रहा है। हम चाहते हैं ये फोल्डर सिक्योर हो जाए, यानी कोई भी इसको ओपन ना कर पाए, तो इस पर हम राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी पे जाते हैं और प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद हम सिक्योरिटी टैब पर क्लिक करेंगे। सिक्योरिटी टैब पर क्लिक करने के बाद हम आसूस यानी हमारे कंप्यूटर सिस्टम का डेस्कटॉप वर्जन है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं क्योंकि हमें अपने फोल्डर पर ही डेस्कटॉप पर लगाना सिक्योरिटी है, तो वहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर एडिट पर क्लिक करते हैं। एडिट करने के बाद यहाँ पे आसूस पे दोबारा क्लिक करेंगे और डेनाय कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप फुल कंट्रोल मॉडिफाई रीड एंड एग्जीक्यूट लिस्ट ऑफ फोल्डर, यहाँ पे हमने सबको मना कर दिया है, यानी इनकार कर दिया है, अप्लाई कर दिया और यस कर दिया और ओके कर दिया और ओके कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा फोल्डर अब ये ओपन नहीं होगा। You don't currently have permission to access this folder. यानी यहाँ पर इस तरह का मैसेज आपके आ जाएगा और ये कोई भी बंदा फोल्डर ओपन नहीं कर सकता है। अगर आप इसको दोबारा ओपन करना चाहते हैं तो इसी पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पर जाएंगे और सिक्योरिटी पर क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे। और डेस्कटॉप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सारी परमिशन हटाने के लिए आप एडिट पर जाएंगे, पुनः आसूस पर जाएंगे जो हमारे सिस्टम का है जहाँ पर हमारी सिक्योरिटी लगी, और हमने सारे यहाँ पे टिक हटा दिया, एक एक करके हमने यहाँ पे टिक को हटा दिया और अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया और ओके कर दिया। और यहाँ पर आप पुनः देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर ये फाइल ओपन होने लगी है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।